नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम मोदी मौजूद रहे और साथ में अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य मंत्रीगण भी उपस्थित रहे। आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सभी तरह के पुख्ता व्यवस्था और इंतजाम किया गया है। आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह होना है। आगे आप वीडियो में देख पाएंगे कि मोहन यादव ने किस प्रकार से शपथ लिया और अन्य डिप्टी सीएम ने किस प्रकार से शपथ ली। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ऐसी खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट पर। धन्यवाद।